5 अगस्त को गूगल सर्च कंसोल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो एक्सपीरियंस्ड एसईओस को हेल्प करेगा, उनके काम का प्रेशर हल्का करेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है या जो नए एसईओस हैं जिन्हें अभी गूगल सर्च कंसोल में महारत नहीं हासिल है, उन्हें काफी हेल्प करेगा किसी भी गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी से, अपनी वेबसाइट से एसईओ को स्ट्रांग करने में, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये फीचर क्या है, कहां पर इसे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या फायदे होंगे इसके, सब जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल के नए फीचर रिकमेंडेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो गूगल सर्च कंसोल ने ट्विटर पर, बाकी सारी खबरों की तरह ट्विटर पर अनाउंस किया है कि अब गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड में रिकमेंडेशंस नाम का एक नया सेक्शन दिखाई देगा। ये रिकमेंडेशन नाम का सेक्शन आपको गूगल सर्च कंसोल के ओवरव्यू टैब में ही दिखाई देगा। ओवरव्यू वही टैब है जो आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करते ही सबसे पहले देखते हैं। इसमें आपकी ट्रैफिक वाले ओवरव्यू और इंडेक्सिंग वाले ओवरव्यू के बीच में ये एक रिकमेंडेशंस नाम का आपको एक पैनल दिखाई देगा। यहां पर बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिखाई देंगी जो गूगल सर्च कंसोल को लगता है कि आपके अकाउंट में की जानी चाहिए। नाउ अगर आप तुरंत अभी गूगल सर्च कंसोल में अपने लॉगिन करते हैं और आपको नहीं दिखाई देता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बिल क्लियर है गूगल सर्च कंसोल का। ये जो फीचर है ये एक्सपेरिमेंटल है, सारे अकाउंट्स में धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है, इसीलिए हो सकता है अभी आपके अकाउंट में ये ना दिखाई दे, थोड़े बहुत दिनों में, एक दो हफ्ते में आपको दिखाई देने लगेगा। ऑल्सो ये रिकमेंडेशन वाला फीचर जब पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा तब भी ये प्रॉपर्टीज पर तभी दिखाई देगा जब किसी प्रॉपर्टी पर कोई रिकमेंडेशन है। अगर पूरी वेबसाइट पर सब कुछ सही चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, या गूगल के अपने एआई सिस्टम्स को कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही या वीकनेस नहीं दिखाई दे रही आपकी वेबसाइट के साथ में, तो ये रिकमेंडेशन वाला पैनल अपने आप हट भी जाएगा। ठीक है, तो इस रिकमेंडेशन वाले पैनल में हमेशा आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपकी वेबसाइट के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को ये आपको दिखाएगा, और साथ ही में अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट के एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो रिकमेंडेशन भी यहां पर आपको दिखाई देगी। सो इस ओवरव्यू टैब में आपको 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। नंबर 1 है इश्यूज, नंबर 2 है अपॉर्चुनिटीज और नंबर 3 है कॉन्फ़िगरेशन। इश्यूज तब दिखाए जाएंगे जब आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें फिक्स किया जा सकता है। गूगल सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट के साथ में कोई टेक्निकल इश्यू दिखाई देता है और उसे फिक्स किया जा सकता है, तो आपको यहां पर इस तरह से डैशबोर्ड में रिकमेंडेशन दिखाई दे सकती है। दूसरे टाइप का एक्शन आइटम हो सकता है अपॉर्चुनिटीज, जहां पर कोई इशू नहीं आपकी वेबसाइट के साथ में, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर फीचर को यूज करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर आइटम को अपनी वेबसाइट पर ऐड करते हैं तो आपकी वेबसाइट का एसईओ इंप्रूव किया जा सकता है। इस तरह की चीजों को अपॉर्चुनिटीज नाम से आपके रिकमेंडेशन वाले पैनल में दिखाई देगा। और तीसरे तरह के एलिमेंट हो सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगर करने वाली सेटिंग्स गूगल सर्च कंसोल की, जिन्हें अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो आप गूगल सर्च कंसोल को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के एसईओ को एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। ये है रिकमेंडेशन पैनल, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसमें ये एक्सपेरिमेंटल नाम का एक बैच लगा हुआ है जो आपको लगातार बता रहा है कि अभी ये स्टेबल फीचर नहीं है, आ सकता है, जा सकता है, हो सकता है गूगल इसे बाद में सर्च नोट्स की तरह हटा भी दे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इशू दिखाई दे रहा है वो इवेंट्स नाम से आ रहा है और ये बता रहा है कि हमारी इस डेमो वेबसाइट के 93% URL रिच रिजल्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वेबसाइट की स्कीमा, डेटा में या स्पीड में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसे करेक्ट करने की जरूरत है। और अगर नीचे यहाँ पर इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो गूगल सर्च कंसोल हमें एक रिपोर्ट दिखाई देगा जिसमें इस पूरी इशू को और ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई नया कस्टम एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आप रिच रिव्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपके स्कीमा डेटा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं आपको दिखाई देंगे। बट एटलीस्ट यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ टॉप में ही आपको रिकमेंडेशन पैनल में ये इशू दिखाई दे रहा है उससे आपको पता लग जाएगा इमीडिएटली कि आपको अपनी वेबसाइट में करेंटली किस इशू को जाकर फिगर आउट करना चाहिए। और इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे जो 93% URL है उन वो रिच रिजल्ट्स में आने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी आपको इस रिकमेंडेशन पैनल से मिल जाती है। और यहाँ पर साथ ही में दूसरा इशू भी दिखाई जा रहा है कि 47 वीडियोस जो है वो इंडेक्स नहीं है। क्यों इंडेक्स नहीं है? क्योंकि साथ में थंबनेल नहीं प्रोवाइड किया गया है। और वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा के साथ में थंबनेल प्रोवाइड करना हमेशा जरूरी होता है, और अगर थंबनेल की इंफॉर्मेशन नहीं है आपके वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा में तो वीडियो के इंडेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको इमीडिएटली वो भी प्रोवाइड करना चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको रिकमेंडेशन पैनल दे रहा है। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन आपको दिखाई दे रही है, एक छोटा सा अलर्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी वेबसाइट को किसी खास कीवर्ड के लिए कम व्यूज मिल रहे हैं, कम इंप्रेशन मिल रहे हैं। नाउ इस तरह के अलर्ट वैसे
एक्सपीरियंस एसईओ के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलवेज मॉनिटर कर रहे हैं क्लाइंट की परफॉर्मेंस को, किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को, और अगर कीवर्ड कोई अचानक से बहुत कम इंप्रेशन लेने लगता है तो हमें तुरंत ही पता लग भी जाता है। बट यहाँ पर ये जो पैनल है, ये बिना उस कस्टम सेटअप के, बिना कस्टम मॉनिटरिंग के भी जो नए एसईओ हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने के चक्कर में गूगल ने एक छोटा सा सेल्फ गोल दाग लिया है। ओलंपिक्स का टाइम होने लगा कि ये सब लोग गोल कर रहे हैं, एक हम गोल अपने ऊपर ही कर लेते हैं। और ये है, ये लास्ट वाली जो स्क्रीनशॉट में उन्होंने चीज शेयर कर दिया कि गूगल सर्च कंसोल सिर्फ 35% परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हाउ बैड इट इज, आई मीन 35% सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वो कह रहे हैं कि आप बिग क्वेरी है वहां पर सारे डेटा को एक्सपोर्ट करें और इसके बाद आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा। आई मीन इस टाइप का जो ये क्लियर मैसेज है, ये कंजूसी गूगल का दिखाना कि अब हम सर्च कंसोल में पूरा परफॉर्मेंस डेटा भी नहीं दिखाएंगे, इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार लुच्चा। अधिकतर लोगों को एक्सपीरियंस एसईओस को पता था, जो बड़ी वेबसाइट्स को हैंडल करते हैं उन्हें पता है कि गूगल सर्च कंसोल में सारा डेटा नहीं दिखाई देता है। हम एट मैक्स 1000 यूआरएल ही गूगल सर्च कंसोल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमेशा से था, लेकिन उसे ऐसे ब्लंटली सामने खुद से एक्सप्लेन करना, खुद से बताना और इसके बाद बिग क्वेरी की तरफ धक्का देना ताकि लोग जाकर पे करें, ये थोड़ा सा चीप है। फ्रॉम गूगल स्टैंडर्ड इट्स रियली चीप। एक कई ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी जब ऐसा कुछ करती है, थोड़े बहुत 10-12 डॉलर को कमाने की कोशिश करती है छोटे पब्लिशर से, तो ये थोड़ा सा खराब सा टेस्ट आता है मुंह में, बट अब जो है वो है सामने है। खैर, ये जो रिकमेंडेशन वाला फीचर है, ये नए वेब मास्टर्स को, नए एसईओस को और जो बिजनेस ओनर्स हैं जो अभी एसईओ के ऊपर, जिनको इतना ज्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, अपनी टीम को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो वो लगातार देख सकते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसा बड़ा इशू है या कहीं कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक है जो एसईओ टीम ने कर रखी है, तो उसको नॉर्मल क्लाइंट भी जाकर वेबसाइट पर देख कर खुद से समझ सकता है, सर्च कंसोल में जाकर देखकर अच्छे से समझ सकता है और अपनी एसईओ टीम को अलर्ट रख सकता है, एसईओ टीम के साथ में काम कर सकता है। अगर कोई क्लाइंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज जाकर एसईओ टीम से झगड़ा करना ना शुरू करें, उनके साथ में काम करें, टीम की तरह काम करें। मार्केटिंग वो आपके बिजनेस की कर रहे हैं, अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो आपके बिजनेस को ज्यादा नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। अब देखिए, एसईओ टीम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकती है लेकिन फिर भी आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट साइड की टीम से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। सो एसईओ टीम के साथ मिलकर काम करें। सो ये था गूगल सर्च कंसोल का नया नवेला रिकमेंडेशन पैनल। अपनी वेबसाइट की गूगल सर्च कंसोल में लॉग इन करिए अभी, अगर ना आया हो तो थोड़े दिन वेट करिए, आ जाएगा इस वीकेंड तक। जब भी आपके पास ये रिकमेंडेशन वाला फीचर आ जाता है तो जरा ऐप में जाकर बताइए कि आपको क्या नई यूनिक रिकमेंडेशन देखने को मिली है। ऐप जो हमारा लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा अभी अपनी स्क्रीन पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर इंस्टॉल करें, लॉग इन करें, बाकी दूसरे डिजिटल मार्केटर के साथ में कोलैबोरेट करें और बताएं कौन सी नई यूनिक अनोखी रिकमेंडेशन आपको गूगल सर्च कंसोल के इस रिकमेंडेशन पैनल में मिली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।